नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आज सुबह के बज रहे टाइम उठ कर करीब 7:15 के आसपास, 7:11 हो रहे हैं। एंड मैं अभी सुबह सुबह ब्लॉग के लिए बैठ चुका हूँ, ब्लॉग एडिट करूँगा। 8:30 बजे तक ब्लॉग एडिट हो जाएगा एंड फिर उसके बाद इसको स्केड्यूल कर दूँगा ताकि ये अपने आप 4 बजे पब्लिक हो जाए। तो आज वो पब्लिक इसलिए करना है स्केड्यूल क्योंकि आज एक साइट पे जाना है जहाँ पे पूरा शाम तक ही होगा। तो साइट पे जाने के लिए मतलब 150 किलोमीटर के आसपास है, तो जाने आने में टाइम लगेगा। एंड उसके बाद फिर साइट पे देखते हैं, वहाँ के सीन भी दिखाएं कैसे क्या है। तो नहा धो लेते हैं, पहले काम कर लेते थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे नहा धो के। आपसे भी देखिए गाइस, नहा धो के हो चुके तैयार सुबह सुबह। टाइम हो रहा अभी 7:17। क्या मस्त लग रही यार वो चंद मम्मी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम कर रहे, सफाई अभियान में लगे हुए हैं। एंड रोज़ घर के सामने ही होता है तो क्या उससे मम्मी का थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। एंड ऑल दो वो सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं अब एक दो दिन से। परसों डॉक्टर ने चिल्ला दिया था कि घूमने कौन, मैं जाऊँगा, तो आजकल मम्मी जा रहे हैं तो वो भी हो जाता है। एंड ये यहाँ पर भी फिजिकल थोड़ा वर्कआउट हो जाता है तो काफ़ी बेटर अब है। एंड अब सुबह के यार देखिए नहा लेते ना सुबह सुबह तो कितना पॉजिटिव वाइब आता है। एंड हवा चल रही है, क्या ग्रीन ग्रीन पूरा सब दूर मस्त, प्यारी प्यारी सुबह से रिफ्रेश हवा। एंड वो एक मतलब अब जल चढ़ाना है तो कितनी एक डिवोशनल वाली फीलिंग के भाई, वो तो है लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है जल चढ़ाने के पीछे। सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से काफ़ी अच्छा रहता है, अब वो पता नहीं क्या रीज़न्स है उसके पीछे, बट है कुछ ना कुछ साइंटिफिक। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी ये सब करिए, अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी भी होती है एंड खुद पर भरोसा भी होता है कि भाई हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं संस्कारी लड़के। तो भाई चलते हैं। और आज के प्लान है कि आज 10 बजे के आसपास निकलना है कहीं साइट पे, करीब 100-150 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ का भी दिखाएंगे कैसी क्या फसल है, कैसी क्या बारिश है। तो बारिश तो वहाँ पे मतलब ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही है, बट फिर भी चलते हैं 150 किलोमीटर। तो आज शाम को आना होगा उधर से, साल मतलब पूरा दिन वहीं होने वाला है ना। छुट्टी है, संडे है तो न्यू की भी छुट्टी है, तो वो भी आज दिन भर घर पर रहेगा, परेशान करता वो, लेकिन आज हम नहीं रहेंगे उसके पास, तो कोई बात नहीं। चलते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ। ये देखिए गाइस, हमारे कमरे बीच किसने दस्तक दे दी, नव्या ने। नव्या गाइस बहुत देर से लात मार रही है मुझे, ये देखो लात मारी जा रही है। क्या भैया क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, क्यों लात मार रहे हो मुझे, बदमाशी कर रहे हो। एंड गाइस देखिए ठंड है इधर, थोड़ा सा माहौल ठंडा है तो इसको टोपी पहना दी। देखिए गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ। एक मिनट है, ये देखिए टाइम क्या हो गया, 6:22:23। एंड मैंने क्या बोला था कि आज जाएंगे साइट पे विजिट करने, लेकिन गए नहीं क्योंकि बारिश के कारण कैंसिल हो गया था वो। एंड दिन भर से भाई ना ब्लॉग किया ना कुछ भी किया, एंड अब देखिए शाम के 6:15 बजे। मस्त हवा चल रही है, मस्त माहौल हो रहा है, ये भी यहाँ खेल रहा है, ये काउंटिंग कर रहा है, एक्चुअली खंबे की काउंटिंग कर रहा है। एंड ये मामा के लड़के और मामा की लड़की आई हुई है, तो अब घर जाने की तैयारी क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है। एंड आजकल मम्मी भी फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त रहने लग गए जब से फ़ोन आ गया खुद का पर्सनल, और उसके साथ साथ भैया नव्या को भी बिगाड़ रहे अब धीरे धीरे। उसको देखो उसको कैसे बंद करो, ये थोड़ी देर ये देखो देखो नव्या को, ये भी फ़ोन की दीवानी हो रही है, मम्मी ने इसको भी बना दिया फ़ोन का आदि। इसको पानी में मज़ा आ रहा है भैया, नहा ले इसमें, नहा ले, लगा दे लोटनी। व्हाट्सअप गाइस, शैतान बच्चा आ गया अब हमारे पास। अब इसको फ़ोन चलाना यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरे पास बहुत अनकंफर्टेबल रहती यार, मैं पकड़ता ये हूँ दादी मम्मी पता नहीं कैसे, उनके पास तो 2-2 घंटे तक ऐसे ही बैठी रहती है और हमारे पास 10-15 मिनट भी उसके लिए इनका बैठना है। क्या हो गया नुपिया है, बहुत उजाड़े काम कर रहा दोस्तों, ये देखिए
और भी जस्ट मैंने इसके कपड़े बदले थे एंड ऊपर टंकी के उसमें से नल में से पानी आ रहा है ये वाले सब नीचे भाई ये यार दिन भर में चार जोड़ कपड़े तो इसके बदलने पड़ते हैं। चल आ जाओ बेटा अंदर चलो, तो अभी मम्मी की पड़ेगी मार। चलो अंदर चलो, आप आपका स्वागत है मार खाने के लिए। चलो चलो मार खाने के लिए स्वागत है आपका, चलिए अंदर। ये गीला होके आ रहा है, ये वापिस कपड़े वापिस निकला पेंट। ये देख यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये निकाल दिया पेंट। गाइस शाम के बज रहे हैं 7, मतलब देख रहे हो कभी किसी टाइम पे, मतलब ये अंधेरा वाला टाइम होगा ठंड वाले टाइम पे, एंड अभी हो रहा शाम के 7:15 एंड धूप यार देखिए कितनी प्यारी लग रही, मतलब एकदम। और एक तो कैमरे में ना इतने रियलिस्टिक कलर नहीं आते, जो एक्चुअल कलर है वो कभी नहीं आते, अगर ये एक्चुअल आ जाए तो भाई सच में क्या क्वालिटी ही स्टैंडर्ड बदल जाएगा भाई उस मोबाइल का, जिसमें जिस कैमरे में अगर अच्छी क्वालिटी आ गई ना। एंड चेक दिस आउट, पीछे की हरियाली पे जो धूप एकदम निखर के आ रही है, ये चेक कर रहे भाई कि क्या कर रहे हैं। तो भाई अभी कैमरे के इतना आदि नहीं है ये, क्योंकि नए वर्कर्स है तो इनको धीरे धीरे बताना पड़ेगा कि ये व्लॉग शूट हो रहा है, एंड ये बाद में जाके आपको, मतलब इनके पास फ़ोन है तो धीरे से इनके फ़ोन में भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक एक सब्सक्राइबर ही बढ़ेगी इस बहाने, रोज़ देखेंगे क्या करते क्या नहीं करते, मतलब 3-4 दिन से नोटिस कर रहे कि क्या कर रहे फ़ोन में, देखिए वहाँ खड़े हो तो। एंड देखिए घर के कलर्स भी क्या भाई ख़तरनाक हो रहे एकदम आसपास वाले, मेरे को तो कुछ भी हो यार आप ये देख देख के बोर हो रहे होंगे, कितने हरियाली दिखाई कितनी हरियाली दिखाई, लेकिन है यही है आसपास, क्या करें अब, जंगल में घर है तो मंगल तो होंगे ही होंगे। गाइस छत पे आने पे ना आप मतलब कतराते, एक न्यू भी आता है ना तो मतलब उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि भाई, क्योंकि मतलब पहले छत पे आते थे ना तो पहले इतना स्लीपरी नहीं था, हाँ कुछ मतलब पानी भरा रहता था लेकिन इतना स्लीपरी नहीं था, लेकिन अब आजकल ये जो मिट्टी जमी हुई है ना ये बिल्कुल एकदम चिकनी हो चुकी है, इतना स्लिपरी हो चुका है बिल्कुल एकदम टाइल से जैसा, तो छत पे आने तक थोड़ा सोचना पड़ता है। बाकी हीट प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग करवा ली तो काफ़ी बेनिफिट्स है इसके, बट ठीक है अब इसको साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ब्रश से साफ़ होगा, और अगर कुछ हार्ड लगाया तो फिर स्क्रेचेस आएंगे ना, स्क्रेचेस से फिर हीट प्रूफिंग तो गई एंड वाटर प्रूफिंग भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो ही जाएगी, तो बेटर है ऐसे में रह लेते, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है यार। ये देखिए 5 मिनट पहले यहाँ पे सन था एंड अब 5 मिनट बाद गायब भी हो चुका, क्योंकि अब तो सनसेट का टाइम हो चुका है तो अब तो घर जाना ही है उसको। दोस्तों करते हैं व्लॉग को यहीं समाप्त, क्योंकि समाप्ति का टाइम हो चुका है, अब कुछ काम ज़्यादा बचा नहीं, मेरे पास एक काम है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एक मेरे को फार्म हाउस का लेआउट तैयार करना, उस पर 2 BHK विला टाइप बनाना, स्विमिंग पूल पार्किंग ईच एंड एवरी फैसिलिटी, मतलब एक लग्जरियस फार्म हाउस, अबाउट कीमत नहीं बताता हूँ जाने दो, तो थोड़ा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ये कर लेते हैं काम, एंड किसी को देना है तो उसको सौंप भी देते। और आज जो जाने का काम था मतलब किसी साइट पे विजिट करने, तो वो यार थोड़ा सा क्या एक्चुअली दूर है, करीब 100-150 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर बाइक से जाना थोड़ा सा अनफेवरेबल है रेनी सीजन में, एंड मेरी जो कार है वो गई हुई है सर्विस पे, 3-4 दिन से सर्विस रही, क्योंकि उसकी डेंटिंग पेंटिंग मतलब पूरी साफ़ सफाई होके आई है उसकी, जितनी भी आसपास से ठुकी हुई है, मतलब एक डेंट ऐसा है गेट पे जो लाए थे तब से ही है एंड वो अभी भी रहेगा जब तक ता उम्र, क्योंकि उसको या तो फिर गेट की पूरी पैनल चेंज करो या फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेच हो चुका है गेट, तो उस वजह से उसको सही करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी सब दूर से ठीक होकर आएगी, आगे का बम्पर चेंज होगा, आगे का बोनट चेंज होगा, फोग लैंप्स चेंज होंगे, हेडलाइट चेंज होगी, दोनों फेंडर चेंज होंगे साइड के, मतलब ऑलमोस्ट सब काम क्लियर होके आएगा, कम से कम 25-30 हज़ार का, बट वो क्लेम में, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा ठुक गई थी तो वो क्लेम के थ्रू सही होके आएगा, एंड देखते हैं वो आ जाएगी, उसके बाद फिर साइड पे जाएंगे या फिर अगर ज़्यादा जल्दी होगी तो फिर किसी को हायर करेंगे, क्योंकि उसके आने में 3-4 दिन हैं, तो देखते हैं आज नहीं गए तो 1-2 दिन बाद जाएंगे। देखिए गाइस आवाज़ सुनिए कोयल की, अरे यार बंद हो गई जब सुनाने का वक्त था, तो अभी बहुत देर से मतलब मैं बात कर रहा था तब से बंद थी, एंड अभी जब
कैमरा ऑफ किया ना तब से आवाज़ कर रही, तो मैंने वापस कैमरा ऑन किया उसके लिए, पता नहीं मेरी आवाज़ सुन के बंद हुई या फिर कुछ भी हुई, तो वापस से काश वो आवाज़ सुनने को मिल जाए। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त दोस्तों, होप ऑल यू एंजॉय इट। अगर यहाँ तक जो पहले तो यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, आई आवाज़ आ रही है वापस बंद, यहाँ तक इतनी आसानी से कोई पहुँच नहीं पाता ब्लॉग के इतने एंड तक, जो पहुँचा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उससे एक रिक्वेस्ट, थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब तो किया होगा जो यहाँ तक पहुँचा। आई नो नब आ रही है आवाज़, नोटिस कर रहे हो। तो शाम के टाइम बस यार गांव में यही अच्छा लगता है, सब मतलब बिल्कुल एकदम नेचर से कनेक्टेड आसपास, और हमारे घर के आसपास तो कोई घर है ही नहीं, तो सब पूरा नेचर है, भगवान की अच्छी कृपा है। तो करते इस व्लॉग को यहीं एंड, धन्यवाद आपका, बाय बाय, टेक केयर।